बच्चों हम लोग कक्षा 9 के अध्याय 1 का जो संख्या पद्धति नामक जो अध्याय है उसके हम लोग अध्याय परिचय हम लोग पढ़ेंगे। और इस अध्याय परिचय के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं होती क्या हैं। वैसे हम लोग इस प्राकृतिक संख्या को क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, लेकिन इस जो कक्षा 9 है इसमें हम लोग जानेंगे पुनः एक बार कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो गणना के काम आती हैं, वस्तुओं के गिनने के काम आती हैं, जिनसे कि वस्तुओं को हम गिनते हैं। तो इसकी हम परिभाषा इस तरह से भी बता सकते हैं कि वे संख्याएं जो गिनती के काम में आती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, --, इसका अर्थ ये हुआ कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? तो पूर्ण संख्या को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को यदि सम्मिलित कर लें तो उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे ये प्राकृतिक संख्या आपकी 1, 2, 3, 4, ……। यदि इसमें केवल 0 को सम्मिलित कर लिया जाए तो इन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे पूर्ण संख्या के बाद पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? यदि प्राकृतिक संख्या शून्य तथा प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक संख्याओं को एक साथ मिला दिया जाए तो उन्हें पूर्णांक कहते हैं। फिर से एक बार और, यदि प्राकृतिक संख्या शून्य और प्राकृतिक संख्याओं की ऋणात्मक संख्याओं को एक साथ मिला दिया जाए तो उन्हें पूर्णांक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे मैंने आपसे बताया कि प्राकृतिक संख्याएं अर्थात 1, 2, 3, 4, ……, यदि इसमें शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए, ठीक है, और पुनः प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाए अर्थात −1, −2, −3, ……, इधर आप −4, −5 आप चाहें तो इधर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार और पूर्णांक की परिभाषा समझते हैं और आसान तरीके से। प्राकृतिक संख्याएं शून्य तथा प्राकृतिक संख्याओं की ऋणात्मक संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। पुनः समझते हैं अगले स्टेप में परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त की जाती हैं उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं, जहां P और Q दोनों ही पूर्णांक होते हैं और Q 0 के बराबर नहीं होता है। एक बार और समझते हैं, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त की जाती हैं उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं, जहां P और Q दोनों पूर्णांक होते हैं तथा 0 के बराबर आपका Q नहीं होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि जो Q होगा वो 0 के बराबर नहीं होता है। देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि 3/5, आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों 3 भी पूर्णांक है और यहाँ पे 5 भी पूर्णांक है, दोनों ही पूर्णांक हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे −2/7, यहाँ पे −2
पूर्णांक है, आप देख सकते हैं पूर्णांक के अंतर्गत आपका माइनस टू आ रहा है और अपॉन सेवन, फोर के बाद इधर आपका सेवन आ जाएगा, इसलिए आपका माइनस टू अपॉन सेवन परिमेय संख्या है। उसके बाद पुनः जीरो, आप सोच रहे होंगे कि जीरो पी अपॉन क्यू के रूप का कैसे है, तो आप चाहें तो जीरो को आप जीरो अपॉन वन लिख सकते हैं, क्योंकि वन से अगर आप जीरो को डिवाइड करेंगे तो पूरा आपका जीरो आ जाएगा, इसलिए जीरो आपका परिमेय संख्या है, क्योंकि यहां पे पी बटे क्यू अर्थात पी और क्यू से तुलना किया जाए तो पी के स्थान पे आपका जीरो है और क्यू के स्थान पे वन है, अर्थात पी अपॉन क्यू के रूप की जो संख्याएं होती हैं उन्हें ही हम परिमेय संख्या कहते हैं। जहां पे बस एक चीज ध्यान देना बच्चों आपको कि क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए और पी और क्यू दोनों ही पूर्णांक होना चाहिए। पुनः 3.5, आप सोचेंगे कि ये इसे हम 3.5 अपॉन वन लिखेंगे तो परिमेय संख्या बनेगा, अगर आप बच्चों ऐसे लिखते हो तो जो आपका 3.5 है ये पूर्णांक नहीं है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे क्या 3.5 परिमेय संख्या नहीं है, नहीं बच्चों 3.5 परिमेय संख्या है, क्योंकि 3.5 को हम p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां पे p और q दोनों ही पूर्णांक होंगे और q does not equal to 0 होगा, अर्थात q 0 के बराबर नहीं होगा। आइए देखते हैं कैसे 3.5 को बच्चों आप लिख सकते हो 35 अपॉन 10 लिख सकते हो, अर्थात ये आपका p के स्थान पे जो 35 अर्थात 35 है ये भी पूर्णांक है और जो 10 है ये भी पूर्णांक है, इसलिए आपका 35 बटा 10 परिमेय संख्या है, इसलिए 3.5 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 3.5 का ही वैल्यूज है बच्चों 35 अपॉन 10 है, 35 बटा में 10 है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नंबर 5 पे अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, तो बस इसका ठीक व्युत्क्रम उल्टा इसका आप परिभाषा बता सकते हो बच्चों कि वे संख्याएं जो p बटे q के रूप के व्यक्त नहीं की जा सकती हैं उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं तथा q does not equal to 0 है, ठीक है। अर्थात वे संख्याएं जिन्हें आप p बटे q के रूप में व्यक्त आप नहीं कर सकते हो उन्हें ही अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आप अंडर रूट 2, आप सोच रहे होंगे अंडर रूट 2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 अपॉन 1, बट बच्चों यहां पे आप ध्यान दे सकते हो यहां पे कि जो अंडर रूट 2 है वो जो है पूर्णांक नहीं है, ठीक है बच्चों, अर्थात 1 पूर्णांक है लेकिन अंडर रूट 2 कड़ी में 2 पूर्णांक नहीं है, इसलिए अंडर रूट 2 अपॉन 1 परिमेय नहीं है बल्कि अपरिमेय है, इसको ध्यान देना है। अंडर रूट 3 अपरिमेय है, क्योंकि अंडर रूट 3 अपॉन 1 तो लिख सकते हो p बटे q के रूप का आप लिख सकते हो लेकिन p आपका पूर्णांक यहां पे नहीं है, इसलिए अंडर रूट 3 अपरिमेय ही होगा, ध्यान देना है। उसके बाद अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, अंडर रूट 8, अंडर रूट 10, ये सब के सब बच्चों अपरिमेय संख्याएं हैं। उसके बाद फिर हम लोग जानेंगे 6 नंबर पे वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, ये जितने भी टॉपिक बच्चों आपको बताए जा रहे हैं इस अगले एक्सरसाइज 1.1 को हल करने के लिए काफी है। यदि इनको आप जानते हो तो आप 1.1 फिर हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि यदि आप इन सबको जानते हो, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या तथा वास्तविक संख्या, यदि आप जानते हो तो आप आसानी से इसके आगे जो आपका जो आएगा एक्सरसाइज 1.1 उसे आप हल कर सकते हो। तो जान लेते हैं बच्चों वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं।
अर्थात यदि परिमेय संख्या को और अपरिमेय संख्या को एक साथ यदि सम्मिलित कर दिया जाए, एक साथ मिला दिया जाए, उनका एक संग्रह बना दिया जाए, एक समुच्चय बना दिया जाए, तो उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे ये मान लेते बच्चों, ये वास्तविक संख्या के लिए एक हमने एक सर्कल बना दिया है, इसके अंतर्गत क्या क्या आ सकती है, परिमेय संख्या। जैसे 3/4 2 परिमेय संख्या है, 3 परिमेय संख्या है, -5/7 परिमेय संख्या है, और इसमें आप यदि अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित कर दीजिए, √2 √3 √5 √7, तो हम कह सकते हैं बच्चों कि ये जो आपका सर्कल है, जो वृत्त है, ये वास्तविक संख्याओं का है। अर्थात परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के जो संग्रह होते हैं उन्हें ही वास्तविक संख्याएं कहते हैं। स्टॉप यहां।